काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। डेली प्राइम के इस अध्याय में हम जानेंगे बिल वाइज एंट्री की अंतिम मेथड ऑन अकाउंट के बारे में। इसके पहले वाली 5 वीडियोस में हमने आपको क्रमशः बिल वाइज एंट्री, उसकी 3 मेथड्स, न्यू रेफरेंस, एडवांस और अगेंस्ट रेफरेंस के बारे में बताया था। साथ ही उन्हीं पर आधारित आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स और एजिंग एनालिसिस के बारे में भी बताया था। इस वीडियो में हम आपको चौथी और अंतिम मेथड ऑन अकाउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप इससे पहले वाली 5 वीडियोस जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। ऑन अकाउंट का उपयोग हमें कुछ विशेष परिस्थितियों में ही करना होता है, जैसे कि जब किसी पार्टी की रसीद बनाते समय हमें एडजस्टमेंट के लिए कोई रेफरेंस नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा हो, जब कोई चेक बाउंस हो गया हो, जब किसी पार्टी के लेजर पर हमें कोई इफेक्ट डालना हो, जैसे कि किसी सप्लायर या कस्टमर को ब्याज दिया हो या उससे ब्याज प्राप्त हुआ हो, जब लमसम अमाउंट प्राप्त हुआ हो या दिया हो या इसी तरह का कोई अन्य विशेष कारण हो तब। चलिए अब जो हमने ये मुख्य कारण आपको बताए हैं, इन्हें एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहली कंडीशन। जब हम किसी पार्टी का पेमेंट या रिसीट वाउचर बनाते हैं, उस समय उसके अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हमें उस पार्टी का कोई रेफरेंस नंबर नहीं मिलता, यानी कि हमें रेफरेंस नंबर दिखाई नहीं देता, तो हम ऑन अकाउंट मेथड का उपयोग करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 1 जुलाई को हमारा कस्टमर GK ट्रेडर्स आया और बोला कि मुझे आपके 3 बिल का 1,00,000 रुपया देना है, वो ले लीजिए और रसीद बना दीजिए। हमने उसका लेजर ओपन किया। ये देखिए, हमें इस कस्टमर से 3 बिल के 1,00,000 रुपए लेना है। तो चलिए, पार्टी ने हमें जो 1,00,000 रुपए दिए हैं उसकी रसीद बना देते हैं। उसके लिए हम लेजर रिपोर्ट पर रहते हुए वाउचर के लिए ऑल्टर और ए प्रेस करेंगे। ये देखिए, जैसा कि हमने अगेंस्ट रेफरेंस वाली वीडियो में देखा था, यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद भी एडजस्टमेंट के लिए कोई रेफरेंस नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब सवाल है कि हमने पार्टी के उधारी के भी बिल बनाए हैं और रुपए भी लेना है, तो फिर यहाँ कोई रेफरेंस क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जिनमें से हम आपको 2 मुख्य कारण बता रहे हैं। पहला तो ये कि आपने बिल वाइज एंट्री ऑप्शन बाद में चालू किया हो और ये बिल उसके पहले बने हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने बिल वाइज एंट्री ऑप्शन तो पहले से ही चालू कर रखा हो, पर जब पार्टी के बिल बनाए थे तब पार्टी के लेजर में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन नो रहा हो और आपने उसे बाद में यस किया हो। इन दोनों ही परिस्थिति में जब आपने पार्टी के बिल बनाए होंगे तो बिल वाइज डिटेल्स की कोई स्क्रीन नहीं आई होगी, जिसके कारण आपने कोई रेफरेंस नंबर भी जनरेट नहीं किए होंगे। और जब रेफरेंस नंबर ही जनरेट नहीं किए होंगे तो वे यहाँ दिखाई कैसे पड़ेंगे। बस ऐसी स्थिति में हमें यहाँ ऑन अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। अगर किसी पार्टी का चेक बाउंस हो जाता है तब भी हम ऑन अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। इसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमने अपने एक नए कस्टमर प्रेम ब्रदर्स को 1 जुलाई को सोनी टीवी 20 इंचेस का एक नग 25,000 के भाव से 15 दिन की उधारी पर बेचा। तो आइए सेल्स वाउचर बना लेते हैं। यहाँ हमें पार्टी का लेजर बनाना होगा। यहाँ हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने कस्टमर का बिल बना लिया है। 1 अगस्त को प्रेम ब्रदर्स आया और बोला कि मुझे आपका 25,000 रुपए का एक पेमेंट देना है,
मैं आपको उसका चेक दे देता हूँ, आप मुझे रसीद बनाकर दे दें। तो आइए रिसीट वाउचर बना लेते हैं। यहाँ हमें अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। इस तरह हमने रिसीट वाउचर बना लिया। हमें कस्टमर से जो चेक प्राप्त हुआ था उसे हमने क्लियरिंग हेतु बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। 1 अगस्त को ही हमें बैंक ने सूचित किया कि आपने जो चेक जमा किया था वो पार्टी के अकाउंट में बैलेंस नहीं होने से बाउंस हो गया है। यहाँ पर समझने की बात ये है कि जब हमें पार्टी से चेक प्राप्त हुआ था तो हमने रिसीट वाउचर बनाते समय टैली में अगेंस्ट रेफरेंस के माध्यम से बिल के पेंडिंग अमाउंट को एडजस्ट कर लिया था, पर हमारे बैंक अकाउंट में तो इस पार्टी का पैसा आया ही नहीं है। तो हमें इस पार्टी के अगेंस्ट चेक बाउंस की एक एंट्री करनी होगी। याद रखें, चेक बाउंस की एंट्री हमेशा जर्नल वाउचर में की जाती है। जर्नल वाउचर की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो नंबर 34 देख सकते हैं। अब हम जनरल वाउचर ओपन कर रहे हैं। यहाँ डेबिट में पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट में हम 25,000 टाइप करेंगे। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारे सामने मेथड ऑफ एडजस्टमेंट की विंडो ओपन हो गई है। अगर यहाँ हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हमें ऑन अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। अब एंटर प्रेस करते करते आगे बढ़ते हैं और क्रेडिट साइड में हम हमारे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यहां हम नरेशन टाइप कर देंगे और अब इस एंट्री को हम कंट्रोल और ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए अब पार्टी का लेजर ओपन करके देखते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए, हमें पार्टी से 25,000 रुपए लेना है, ये तो ठीक है। आइए अब बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट देखते हैं। ये देखिए, इस रिपोर्ट में पार्टी का नाम ही नहीं है, यानी इस रिपोर्ट के हिसाब से तो हमें पार्टी से कुछ भी नहीं लेना है, जबकि वास्तव में हमें उससे 25,000 रुपए लेना है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आपको समझा देते हैं। जब भी हम ऑन अकाउंट लेकर कोई भी एंट्री करते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ लेजर पर ही पड़ता है। आउटस्टैंडिंग्स की रिसीवेबल या पेएबल रिपोर्ट में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के चेक बाउंस की एंट्री का इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में भी दिखाई पड़े तो उसके लिए आपको चेक बाउंस की एंट्री करते समय ऑन अकाउंट के स्थान पर एक नया रेफरेंस चेक बाउंस का बनाना होगा। चलिए हमने जो चेक बाउंस की एंट्री की उसी को अल्टर कर लेते हैं। इसके लिए हम गो टू पर माउस से क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से लेजर वाउचर पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहाँ पार्टी का लेजर सिलेक्ट करें और अब हम जिस वाउचर को अल्टर करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पर आ गए हैं। अब हमें ऑन अकाउंट के स्थान पर न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे चेक बाउंस और उसके बाद पार्टी का नाम टाइप करेंगे, फिर इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की प्रेस करके हम वापस बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट पर आ गए हैं। ये देखिए, अब रिपोर्ट में पार्टी का नाम और अमाउंट दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि चेक बाउंस की एंट्री करते समय यदि आप चाहते हैं कि इसका इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पर भी पड़े तो न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करें और यदि नहीं चाहते हैं तो ऑन अकाउंट सिलेक्ट करें। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। यदि हम किसी पार्टी के लेजर पर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑन अकाउंट मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम अपने किसी कस्टमर से इंटरेस्ट यानी ब्याज लेते हैं या फिर अपने किसी सप्लायर को इंटरेस्ट देते हैं तो उस इंटरेस्ट की एंट्री करते समय हम ऑन अकाउंट का उपयोग करेंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हमने अपने एक नए कस्टमर अशोका एंटरप्राइजेस को 1 अगस्त को सोनी टीवी 20 इंचेस का एक नग 25,000 के भाव से उधारी पर बेचा।
और कहा कि यदि आपने हमें 16 अगस्त तक पेमेंट नहीं किया तो इस निश्चित तारीख से आप जितने दिन बाद पेमेंट करेंगे उस अवधि का आपको ब्याज देना होगा। चलिए सेल्स वाउचर बना लेते हैं। यहां हमें पार्टी का लेजर बनाना होगा। यहां पर हम न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हैं और ड्यू डेट या क्रेडिट डेज में 16 अगस्त टाइप कर रहे हैं। यह हमने कस्टमर का बिल बना दिया। 1 दिसंबर को अशोका एंटरप्राइजेस आया और बोला कि आपका क्या हिसाब है बताइए। हमने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में पार्टी का लेजर ओपन किया, पीरियड चेंज करके 1 अप्रैल से 1 दिसंबर किया। ये देखिए ओवरड्यू बाय डेज में 107 लिखा हुआ है, यानी हमने कस्टमर को जितने दिन की उधारी पर माल दिया था उससे 107 दिन अधिक हो चुके हैं। हमने इस अवधि का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ब्याज की कैलकुलेशन टैली में कैसे करते हैं ये हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। अभी समझने के लिए मान लेते हैं कि 107 दिन का ब्याज 500 रुपए हुआ, तो हमें 500 रुपए पार्टी के नाम डेबिट करना होंगे। इसके लिए हम जर्नल वाउचर या डेबिट नोट वाउचर का उपयोग कर सकते हैं। अभी हम जर्नल वाउचर का उपयोग कर रहे हैं और आगे की वीडियो में आपको डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करना बताएंगे। हम गो टू की सहायता से जर्नल वाउचर बना लेते हैं। सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं। डेबिट में पार्टी का नाम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ अमाउंट टाइप करें। यहाँ हमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट सिलेक्ट करना है जो कि बना हुआ नहीं है, तो हम इसे बना लेते हैं। अंडर में हम इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नरेशन टाइप करेंगे और अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने कस्टमर से 25,000 रुपए बिल के और 500 रुपए ब्याज के, यानी कुल 25,500 रुपए देने के लिए कहा। उसने हमें 25,500 रुपए नकद दे दिए। अब हम इसकी रसीद बना देते हैं। सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे। क्रेडिट में पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें जो अमाउंट प्राप्त हो रहा है वो टाइप करेंगे। यहाँ हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें वो पेंडिंग बिल सिलेक्ट करना होगा जिससे हम पेमेंट एडजस्ट करने वाले हैं। एंटरप्राइज करते हुए आगे बढ़ें। हमें ब्याज का अमाउंट भी प्राप्त हो रहा है, इसके लिए यहाँ ऑन अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डेबिट में कैश सिलेक्ट करके अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एस्केप की प्रेस करके वापस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में पार्टी के लेजर पर आ गए हैं। देखिए अब यहाँ सिर्फ ऑन अकाउंट लिखा दिखाई पड़ रहा है और उसके आगे कोई भी अमाउंट नहीं है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए बिल का पेमेंट प्राप्त हो गया है, इसलिए वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है और ऑन अकाउंट को लेकर हमने जो डेबिट और क्रेडिट की एंट्री की थी वो दिखाई पड़ रही है। अब हम चलते हैं चौथी कंडीशन पर और उससे समझ लेते हैं। यदि हमें किसी कस्टमर से लमसम अमाउंट प्राप्त हुआ हो या हमने किसी सप्लायर को लमसम अमाउंट दिया हो तो ऐसी स्थिति में भी कई बार ऑन अकाउंट का उपयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। 1 जनवरी को हमारा एक कस्टमर भारत एंटरप्राइजेस आया और बोला कि मैं अभी जल्दी में हूँ, आपके करीब 2-2.5 लाख रुपए देना है तो ये 2 लाख रख लीजिए और रसीद बना दीजिए। कस्टमर के पास समय नहीं था, इसलिए हमने रिसीट वाउचर बनाते समय बिल टू बिल हिसाब ना करते हुए सीधे ऑन अकाउंट लेकर रसीद बना दी। आइए पार्टी का लेजर ओपन करके देखते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए हमें पार्टी से कुल 2,50,000 रुपए लेना थे जिसमें से 10,000 पहले आ गए थे और 2 लाख अभी प्राप्त हुए हैं। अब कस्टमर से 40,000 रुपए लेना बाकी है। ये तो ठीक है,
अब बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पार्टी के सभी बिल आउटस्टैंडिंग में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लेना बाकी है। ध्यान रखें, जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि जब भी हम ऑन अकाउंट लेकर कोई भी एंट्री करते हैं तो उसका प्रभाव लेजर पर तो आता है, पर आउटस्टैंडिंग की रिसीवेबल या पेबल रिपोर्ट में नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, यदि आप आउटस्टैंडिंग्स की लेजर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हमारी समस्या ये है कि हमारा लेजर कुछ और बता रहा है और बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट कुछ और बता रही है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जितनी जल्दी संभव हो आप कस्टमर से बात करें कि आपके जो बिल आउटस्टैंडिंग हैं, उनमें से किन बिल्स में ये अमाउंट एडजस्ट करना है, और उसके बाद वापस उस रिकॉर्ड किए गए ट्रांजेक्शन को ओपन करके पेंडिंग बिल्स से एडजस्ट करें। चलिए हम आपको ये करके बता देते हैं। हमने आउटस्टैंडिंग्स में भारत एंटरप्राइजेस की लेजर रिपोर्ट ओपन की। आप चाहें तो इसकी जगह पर पार्टी का लेजर ओपन कर सकते हैं। अब हम ऑन अकाउंट पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। यहां से हमें उस ट्रांजेक्शन पर जाना है जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। बिल वाइज एंट्री की स्क्रीन आने पर ऑन अकाउंट की बजाय अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, ऐसा करते ही सभी पेंडिंग बिल्स दिखाई पड़ रहे हैं। हमें कस्टमर ने कहा था कि मेरे एक एक लाख वाले दो बिल हैं, वे इस अमाउंट से एडजस्ट कर देना। हमने ऐसा ही किया और अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के लेजर में अब सिर्फ वो ही बिल दिखाई पड़ रहे हैं जिनका पेमेंट हमें उससे लेना है। चलिए हम बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी वो ही पेंडिंग बिल्स दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस वीडियो में बताए अनुसार कार्य करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हमारा बिल वाइज एंट्री ऑप्शन पूरा होता है। धन्यवाद।